वंदे भारत मिशन के तहत किर्गिस्तान के 145 यात्रियों को लेकर फ्लाइट बुधवार रात को इंदौर पहुंची, जिसमें 145 यात्री थे जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे और कई समय से फंसे थे। सभी छात्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से हैं। सभी की जांच के बाद उन्हें भेज दिया गया है। यात्रियों ने वहां के हालात बताते हुए कहा कि संक्रमण वहां अब बड़ा रूप ले रहा है, जिससे काफ़ी समस्याएँ हो रही है। इंदौर ब्यूरो के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। सर बताइए, कितने समय से आप वहाँ पर फंसे हुए थे और मतलब कितने तादाद की संख्या में आज आपके साथ और कितने लोग आए हैं? हम 2 महीने से वहाँ फंसे हुए थे और आज हम 168 बच्चे हैं। आप कितने समय से वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और अभी कोविड के चक्कर में वहाँ पर कैसा माहौल है और कैसी कंडीशन है वहाँ पर किर्गिस्तान में? कंडीशन तो सर अभी तो वहाँ पर नॉर्मल है, पर वहाँ निमोनिया भी ज़्यादा फैल रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट किस प्रकार से आपके साथ कोऑर्डिनेशन कर रही है, किस प्रकार से आपको वहाँ पर सुविधा दी जा रही थी? हमें तो ऐसा आपको सुविधा देने जल्दी मुझे बोल रहा है सारे इंडियन स्टूडेंट को भेजने के लिए, सबको भेजने के लिए वहाँ से बोल रहा हूँ। पूरा अनुभव पावर कहाँ से हम स्टेट से आ रहे हैं? कहाँ स्टडी करते हैं संदेश तो ये गवर्नमेंट हेल्प करी, पर जो हमारा एम्बेसडर था वो आता ही नहीं था, उसने बहुत लेट कर दिया हमको। सब अच्छे वक्त हेल्प करते हैं सारी कंट्रीज से, और इस दोनों सूत्र ने बहुत हेल्प करी, तो 6 फ्लाइट भेजी, दोनों सूत्र 6 फ्लाइट भेजी। अभी कुछ 168 आए। और आपको वहाँ पे वहाँ पे किस तरह की सुविधाएँ आपको देश में उपलब्ध कराई गई? ऐसा तो वहाँ पर इंडियंस के ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं था, बाकी नॉर्मल था इंडियंस कुछ ज़्यादा बाहर अलाउ नहीं करता हॉस्टल के बाहर जाना। इसके बाद तो कितने दिनों का लॉकडाउन आपको झेला? 2 महीने का झेला। किस तरीके की प्रॉब्लम का आपको वहाँ पर सामना करना? प्रॉब्लम तो ऐसे बस यही थी कि तो दुकानों का बंद हो गई थी, खाना वाना मतलब सामान आटा वाटा खत्म हो गया था, बाकी तो यही था टैक्सी वैक्सी सब बंद थी। क्या नाम है आपका? मोहितेश। कितने समय से वहाँ पर फंसे हुए थे आप? हम लोग को करीब करीब सर 1.5 से 2 महीने हो गए थे, क्योंकि शेड्यूल वाइज आ रही थी एयर इंडिया, फेज 1 फेज 2 ऐसा करते हुए। तो जिस फेज में जिसको जहाँ की टिकट अवेलेबल हो रही और जिस डेस्टिनेशन के वो था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी टिकट कराई थी। अभी किस प्रकार का माहौल है वहाँ पर, कैसा माहौल है अभी कोरोना के उसको देख के? कोरोना केसेस तो बढ़ रहे हैं, नो डाउट ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, बट ये है कि हम लोग घर से दूर थे, हमारे पास कोई सीनियर गाइडेंस नहीं था, वहाँ जो थे हम लोग खुद थे। आज सर आप लोग लैंड करे हैं, उससे पहले कोई फ्लाइट मतलब आ चुकी थी, लैंड नहीं हो पा रही थी, कोई प्रॉब्लम थी फ्लाइट में? नहीं, ऐसा कोई अपडेट तो ना पायलट ने दिया ना क्रू मेंबर्स ने दिया, द लैंडिंग वॉज गुड। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि थैंक्स टू एयर इंडिया एंड ऑल द क्रू और पूरे पायलट को कि उन्होंने इतना एफर्ट लिया, क्योंकि आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है हम लोगों को बाहर निकाल के लाने के उनका बहुत बड़ा थैंक्स। योर नेम एंड सिटी? मोहितेश सांडिया। कहाँ से? छत्तीसगढ़ रायपुर। देखिए, आज वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया की एक फ़्लाइट किर्गिस्तान से 145 यात्रियों को इंदौर लेकर आई थी। टोटल यात्री उसमें 140 थे, लेकिन एक यात्री उसको दिल्ली लैंड होना था, वो फ्लाइट के माध्यम से ही दिल्ली जाएगा। 145 यात्रियों पर सबके प्रारंभिक स्क्रीनिंग की गई और स्क्रीनिंग में किसी भी यात्री में कोई असामान्य लक्षण नहीं था। ये विभिन्न राज्यों से थे, कुछ अधिकतर स्टूडेंट्स MP के हैं और साथ में छत्तीसगढ़ के भी स्टूडेंट्स हैं, तो इन स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो बिहार के हैं। क्वारंटाइन प्रोसीजर क्या रहेगा? सेम रहेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा नॉर्म है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने का, उसमें 7 डेज इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना होगा और बाकी के 7 डेज इनको इनके होम में क्वारंटाइन किया जाएगा। जो 7 डेज का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उसमें इनको पेड क्वारंटाइन करना पड़ेगा। सर फ्लाइट का थोड़ा सा इशू हो गया था लैंडिंग के समय? फ्लाइट लैंडिंग में थोड़ी सी इश्यूज हुई थी, रनवे की लाइट्स में कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा सा डिले रहा फ्लाइट का लैंडिंग। नाम है डॉक्टर अमित मालाकर, नोडल ऑफिसर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।